खंडवा नगर निगम की साधारण सभा में हुआ जमकर हंगामा। पक्ष विपक्ष ने लगाए महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा एवं कांग्रेस के पार्षदों ने एक स्वर में खंडवा नगर निगम में हुए भारी भ्रष्टाचार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से जांच की मांग की है। खंडवा नगर निगम की साधारण सभा की बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई है। बैठक हुई, काफी गर्मा गर्म रही। कई मुद्दे ऐसे थे जिस पर सीधे सीधे परिषद के ऊपर भ्रष्टाचार और कई तरह के आरोप लगे हैं और बहुत सारी जांच की मांग भी हुई है। आप अध्यक्ष हैं, क्या क्या एक्शन लेंगे आप? परिषद, इस परिषद में पिछले समय का स्थगित सम्मेलन था और पार्षदों ने जो विषय उठाए थे और उन विषयों में जहाँ उनको ऐसा लगा कि इसमें कोई त्रुटियां हैं या कुछ हेराफेरी है, उन मुद्दों को उन्होंने उठाया और उनके लिए हमने जांच के आदेश भी किए। इस साधारण सभा की बैठक में वर्ष 2019 से 20 का बजट भी पास किया जाना था, लेकिन भारी हंगामा के बीच बजट पास नहीं हो पाया। खास बात यह है कि इस साधारण सभा की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने ही अपनी ही परिषद और भाजपा के महापौर पर सार्वजनिक कामों में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भाजपा पार्षदों ने विपक्ष के साथ मिलकर इन आर्थिक अपराधों की EOW इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग से कराने की मांग की है। खंडवा नगर निगम में लगातार पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता की पूर्ण बहुमत वाली पार्षद का राज है। नगर निगम की इस परिषद का कार्यालय भी खत्म होने को है, इसे अंतिम माना जा रहा है। इस साधारण सभा की बैठक में हंगामे का असर सभी को था। इस सभा में 2 महीने पहले स्थगित हुई पिछली सभा के एजेंडे पर चर्चा होनी थी, इसमें चालू वर्ष का बजट अनुमोदन भी था, लेकिन पक्ष विपक्ष के हंगामे और आरोपों के चलते बजट पर चर्चा ही नहीं हो पाई। भाजपा के वरिष्ठ पार्षद वेद प्रकाश शर्मा ने सड़क और पानी वितरण में किए जा रहे कार्यों में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। स्थगित बैठक थी, जैसे ही मीटिंग चालू हुई तो जो कमिश्नर सभापति द्वारा जांच समिति बनाई गई थी उसका प्रतिवेदन पेश किया गया और जांच में हमने सभी बहुत गंभीर अनियमितताएं पाई गई, तो सर्वसम्मति से परिषद की राय से वो आश्वासन को पहुंचाया जाएगा, बड़ी एजेंसी आके जांच करे। उसके बाद नर्मदा पे हमारे साथी इकबाल पहलवान कुरैशी, भाजपा के वरिष्ठ पार्षद वेद प्रकाश शर्मा, कांग्रेस के सीनियर पार्षद महमूद खान ने नर्मदा जल को लेकर, भर बरसात में पानी नहीं दिया जा रहा शहर की जनता को, इसको लेकर निगम का कोई भी अफसर जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने यकीन दिलाया कि हम दिवाली के पहले पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे। मुझे तो नज़र नहीं आता कि ये भर बरसात में भी पानी दे पाए।